पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा यूथ कांग्रेस को लेकर जारी बयान पर घमासान तेज हो गया है। यूथ कांग्रेस ने धर्मशाला में बैठक कर संगठन के बारे में चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आए यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर ने की। पत्रकारों से बातचीत में यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यूथ कांग्रेस और NSUI को लेकर बयानबाजी करने वाले सुधीर शर्मा को NSUI के N और यूथ कांग्रेस के 22 तक का ज्ञान नहीं है। मनीष ठाकुर ने कहा कि मोदी, शांता कुमार, जयराम हमारे वैचारिक दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेलेगी, बल्कि जहां सरकार गलत निर्णय लेगी उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है। सरकार के हर जन विरोधी निर्णय के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 1.5 साल में युवा कार्यकर्ताओं पर प्रदेश भर में विभिन्न थानों में 45 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं की इस तरह की बयानबाजी युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाली है। धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस की भाजपा के विरुद्ध की गई पत्र बम कांड रैली को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक दिन पूर्व ही हड़बड़ाहट में रैली करनी पड़ी, जबकि युवा कांग्रेस का कार्यक्रम पहले से ही तय था। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे फोन ही नहीं उठाते हैं। मनीष ने धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में किसी युवा को मौका देने की बात कही। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है माननीय पूर्व मंत्री जी ने कि भी युवा कांग्रेस के अंदर नियुक्ति हो। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 6 नवंबर 2018 को प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई। इन्हें आपकी नॉलेज में बता रहा हूँ क्योंकि वो जो उन्होंने कुछ सवाल किए उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। 1 साल पहले थी नियुक्तियाँ हुई, उन्होंने 5 नाम दिए प्रदेश कार्यकारिणी। हमने उन 5 नामों को उनकी सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव की जगह नामित कर, उसमें से 2 पदाधिकारियों को मैं जानता हूं, लेकिन 3 पदाधिकारियों की मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी। मैं तो दूर की बात हूं, ये विजय करण जी यहां पर है, कांगड़ा के प्रभारी यहां पर है, ये उनको मैं नहीं जानता। धर्म की तरफ जाने ज्ञान देना ही संप्रदाय है। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में माल रोड पर श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कृष्णी पंथ काफी पुराना संप्रदाय है और धर्म की तरफ जाने का ज्ञान देना ही संप्रदाय है। RSS भी ऐसा ही करता है, कर्म पर जोर देते हुए और धर्म का कार्य करने वालों का सम्मान करता है। हम कर्म के आधार पर धर्म की तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं और संघ का ध्येय कर्म, ज्ञान व अनुशासन है। श्रीमद् भागवत गीता भी निष्काम कर्म का उपदेश देती है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार श्री कृष्णी पंथ को मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अब दुनिया का हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया भी बदल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का सोलन पहुँचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने सोलन के माल रोड स्थित कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उनके यहां पहुंचने पर सोलन पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। इस दौरान CM जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं बानी की विश्वविद्यालय नोनी के सब्जी विज्ञान विभाग में इन दिनों युवा वैज्ञानिकों को सब्जी उत्पादन पर एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि देश के करीब 9 राज्य हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना आदि राज्यों के 25 युवा वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। 21 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में इन वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के परिवेक्ष में सब्जी उत्पादन में कैसी कैसी अच्छी गुणवत्ता लाए और किस तरह से पैदावार को बढ़ाए, इस पर आधारित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादन में जो नए अनुसंधान हुए हैं व जो नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं उनके बारे में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों के अंतर्गत
कार्य करने वाले नए युवा वैज्ञानिकों व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले नए असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें विषय उन्मुख बनाना है, ताकि वे सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में नई व पुरानी पद्धति के अलावा जो नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं उन्हें किसानों तक पहुंचाकर सब्जी उत्पादन की गुणवत्ता व पैदावार को बढ़ाने में सहयोग कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादन में जो नए अनुसंधान हुए हैं व जो नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं उनके बारे में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्य करने वाले नए युवा वैज्ञानिकों व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें विषय उन्मुख बनाना है। करता रहते हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, उनको इन संबंध में प्रशिक्षण दे करके उन्हें सब विषय उन्मुख रूप से तैयार करना, ताकि वो किसानों को सब्जी उत्पादन में वर्तमान में या पश्चात में जो हमारी पद्धतियां रही हैं सब्जी उत्पादन की या जो नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं उनकी जानकारी दे के उनको शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए और प्रसार के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से और उन्नत बनाने का एक प्रयास ये भारत सरकार का कृषि अनुसंधान परिषद करता है।